ड्राइवर अपने ड्राइवर पार्टनर्स को इनकरेज करने के लिए ये कॉन्टेस्ट करवाता है, जिसमें हम ड्राइवर्स को इनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स लें। कोलकाता में हमारे कैब कैटेगरी और मोटर कैटेगरी के ड्राइवर्स हैं जिनको हम आज अवार्ड दे रहे हैं। सो आउट ऑफ लाइक देर अराउंड 86 ड्राइवर्स जिनको आज हम प्राइजेस देंगे, उसमें से वो फ्रिज है, माइक्रोवेव है, टीवी है, स्मार्टफोन है और फ्यूल वाउचर्स है HP के वर्थ 5000 रुपीज़। मेरा नाम शशांक शेखर है, मैं इन ड्राइव ड्राइवर ऑपरेशन टीम से हूँ। मैं अभी कोलकाता देख रहा हूँ। ड्राइवर ऑफ द मंथ कैंपेन इवेंट है जहाँ की अभी ये सारे ड्राइवर्स और ड्राइवर्स लोग आए हुए हैं। ये इवेंट हम लोग एक्चुअली दूसरी बार कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम का इवेंट बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन शो किया था और ड्राइवर काफ़ी इंकरेज हुए थे कि हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा राइड लिए। ठीक है, फीचर्स के मुताबिक हम लोगों ने ड्राइवर्स के लिए काफ़ी सारे न्यू फीचर्स लेके आए हैं। जैसे सबसे पहला फीचर्स की मैं बात करना चाहूँगा वो सेफ्टी फीचर्स है, जिसमें हम अपने ड्राइवर्स के लिए पैनिक बटन सेफ्टी बटन काफ़ी लेके आए हैं ताकि वो इमिडिएटली कभी भी कोई भी तरह का इमरजेंसी में पैनिक बटन प्रेस करके वो बात कर सकते हैं पुलिस या एम्बुलेंस कोई भी तरह का अगर कोई इमरजेंसी रहे तो। दूसरे फीचर्स हमारे ऐप में और भी आ रहा है, जैसे नेविगेशन फीचर्स कुछ सिटीज़ में ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है लेकिन कोलकाता में अभी आने वाला है। बेसिकली अभी हम लोग कैब और मोटो दोनों का सर्विस स्टार्ट किए हुए हैं, इसके साथ साथ हम लोग का कोरियर सर्विस भी है जो कि चल रहा है। अभी वेस्ट बंगाल में कहाँ का आपकी सर्विस चल रहा है? फिलहाल अभी सिर्फ कोलकाता में है। न्यू टाउन राजरहाट साइड में आप लोगों का सर्विस है ऐसी जगह पर जहाँ पे जरूरत है इस समय? हाँ, सारी पूरी कोलकाता सिटीज में हमारा सर्विस है। अच्छा, ये बताइए अभी कितने ड्राइवर आपके साथ जुड़े हैं और कितने कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हुए हैं इतने दिनों में? अगर मैं बात करना चाहूँ तो हमारे पास अप्रोक्सली 10,000 ड्राइवर्स हैं, लेकिन एक्टिवेशन हमारा ड्राइवर का काफ़ी डिफरेंट होता है, कभी 50% एक्टिव होते हैं, कभी 30%, तो वो रेशियो वैरी करता रहता है, कोई स्पेसिफिक फिगर्स नहीं है। कस्टमर तो देखता है उसे कैब में किसमें सस्ता मिलेगा, सेफ सिक्योरिटी। इन ड्राइव के हमारे पूरे जितने भी हमारे कंपटीटर्स हैं, इन ड्राइव का सबसे कम कमीशन है जो कि ड्राइवर्स को काफ़ी पसंद आते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने नेगोशिएशन रखा हुआ है जो कि बोथ ड्राइवर्स और पैसेंजर्स के लिए है। ये नेगोशिएशन से ड्राइवर्स भी नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइस पैसेंजर के साथ में और सेम टाइम पे पैसेंजर भी नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइस। तो ऐसा कोई डेडिकेटेड प्राइस नहीं है कि अगर ड्राइवर ने एक प्राइस डाल दिया तो उसी प्राइस पे जाना है। ठीक है, दोनों का नेगोशिएशन हो सकता है। सेकेंडली, हमारा रूट नेविगेशन में हम लोगों ने ड्राइवर का ए पॉइंट से बी पॉइंट सारा दिखाते हैं, पिकअप पॉइंट से लेकर ड्रॉप पॉइंट तक का लोकेशन और डिस्टेंस भी शो करते हैं ताकि ड्राइवर्स को भी आइडिया हो जाता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और पैसेंजर को भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता होता है। इन ड्राइव कितना सेफ एंड सिक्योर है लेडीज़ के लिए जो अकेली सर्विस जॉब से घर या घर से जॉब जाना चाहते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें सबसे पहले बात एक और चीज़ बता रहा हूँ कि इन ड्राइव में सिर्फ हमारे पास में मेल ड्राइवर्स नहीं है, हमारे पास में फीमेल ड्राइवर्स भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। मे बी अभी इवेंट में नहीं होंगे लेकिन हमारे पास काफ़ी लेडी ड्राइवर्स हैं। तो अगर इन ड्राइव में लेडी ड्राइवर्स ड्राइव कर रही हैं तो आप सोच सकते हैं कि इन ड्राइव में लेडी की सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। सेकेंडली, अगर कोई भी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो उसके पास हमारे लिए पैनिक बटन है जिसको यूज़ करके वो पुलिस या हॉस्पिटल कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। पैसेंजर को या ड्राइवर को पैसे को लेकर कहीं दिक्कत होती है, कंप्लेन कहाँ करेगा या 24 आवर सर्विस है सेवा देगा, किस तरह सेवा मिलेगी? ठीक है, हमारा एक चैट सर्विस है जो कि 24 आवर्स ओपन है, वो भी हमारे ऐप में शो करता है। वो चैट सर्विस को यूज़ करके तुरंत ही किसी तरह का कंप्लेन कर सकते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स हमारे चैट सेवा के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व इमिडिएटली नहीं भी होता है तो उनकी उनका एक डायरेक्टेड टाइम दे देते हैं कि कब तक वो सॉल्व होगा। हमारा रजिस्टर्ड हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली है, तो कोई भी तरह का लीगल केस अगर होता है किसी भी तरह का तो उसमें हमारी जो लीगल टीम है वो एडवाइस करती है। कोई भी तरह का लीगल केस हमारे जो support@indriver.com है उस पर अगर कोई रजिस्टर होता है तो हमारी लीगल टीम उसके थ्रू रिप्लाई करती है। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि वो कोई रीजनल है, वो पैन इंडिया है। मेरा नाम शशांक शेखर है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इन ड्राइव ड्राइवर ऑपरेशन। मेरा नाम कवित नंदा आनंद है और मैं इन ड्राइव की APAC कम्युनिकेशन लीड हूँ। हमारा ड्राइवर ऑफ द मंथ कैंपेन है जिसका आज हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो इन ड्राइव अपने ड्राइवर पार्टनर्स को इनकरेज करने के लिए ये कॉन्टेस्ट करवाता है, जिसमें हम ड्राइवर्स को इनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स लें। कोलकाता में हमारे कैब कैटेगरी और मोटर कैटेगरी के ड्राइवर्स हैं
जिनको हम आज अवार्ड दे रहे हैं. सो आउट ऑफ लाइक देर अराउंड 86 ड्राइवर्स जिनको आज हम प्राइजेस देंगे. उसमें से वो फ्रिज है, माइक्रोवेव है, टीवी है, स्मार्टफोन है और फ्यूल वाउचर्स है HP के वर्थ 5000. सो इन ड्राइव का हमारा सर्वे, हमें पैसेंजर्स और ड्राइवर्स दोनों से अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं. हमने अभी लास्ट टाइम कुछ महीने पहले हमने इन ड्राइव डिलीवरी का लॉन्च किया था, बेसिकली जो विद इन सिटी हम कोरियर कर सकते हैं. और इस बार हम मतलब हम क्योंकि हमें जैसे जैसे फीडबैक मिलता है हम और लेके आते हैं. अभी हमने एक अपना फीचर अपडेट किया है सेफ्टी का, जिसमें पहले हम एक कॉन्टैक्ट सेव कर सकते थे एमरजेंसी में, अब हम 5 कर सकते हैं. हम वो कॉन्टैक्ट पुलिस और इन ड्राइव सपोर्ट टीम के पास भी शेयर होता है ताकि कल कोई प्रॉब्लम आए तो वो टीम इनके साथ कनेक्ट कर ले. सो और ऑल्सो हम अभी हमने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है दिल्ली NCR में वुमेंस डे पे, जिसका नाम है ड्राइविंग नारी, और हम वो सेम कोलकाता में लेके आएंगे. ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसमें हम अंडर प्रिविलेज लड़कियों को इनकरेज करते हैं कि वो ड्राइविंग अपने करियर एज अ करियर चूज करें. तो हम उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है ये पूरा प्रोग्राम लाइक कैंडिडेट्स के लिए कि वो इन ड्राइव में अपने आप को रजिस्टर करें हमारे साथ इस कैंप प्रोग्राम के लिए. हम उनको फ्रॉम स्क्रैच ड्राइविंग सिखाएंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल. और जब वो एक बार ड्राइविंग अच्छे से सीख जाएंगे, वो प्रॉपरली ड्राइविंग स्कूल के साथ वो ट्रेनिंग हम साइन अप कर रहे हैं. तो जब वो सीख जाएंगे हम उनको लाइसेंस भी दिलवाएंगे और फिर हम उनको एज अ ड्राइवर इन ड्राइव में रजिस्टर करेंगे. और हम उनको 3 महीने के लिए गाड़ी भी रेंट पे लेके दे रहे हैं. और जब वो 3 महीने जो वो चलाएंगे उसमें हम उनके लिए कोई भी सर्विस फी या कमीशन हम उनसे नहीं लेंगे. जो वो अर्न करेंगे वो उनके पास जाएगा. और इस दौरान इस ड्यूरेशन में हम उनके लिए उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उनके 24/7 रोड असिस्टेंस की फैसिलिटी दे रहे हैं हम. प्लस उनको सेल्फ डिफेंस का कोर्स भी करवा रहे हैं ताकि उनको कल कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो अपने आप को बचा पाए. ये जो जिनको जरूरत आपने ये अपना प्रोग्राम बताया, ये जिनको जरूरत है वो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करेगा या कहाँ कॉन्टेक्ट करेगा? सो उसके लिए हमारा एक ईमेल आईडी है pr.indrive.com. सो वो जिसको भी इंटरेस्ट है वो हमारे साथ इस ईमेल आईडी में रीच आउट कर सकते हैं. और हमारा इनड्राइव का जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है इंडिया का, उसमें भी हमने ये पूरा वीडियो शेयर किया है. पूरी तरह फ्री है क्या ये? पूरा फ्री है. ड्राइव कैंडिडेट्स को कुछ पे नहीं करना. उनके तरफ से हमें सिर्फ 2 चीज़ों का रिक्वायरमेंट है. एक कि वो इसको सीरियसली ले, क्योंकि फ्री की चीज़ें कई बार लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, बट ये जेन्युइन चीज़ है, फ्री का है, तो प्लीज़ आप सीरियसली लें. और दूसरी चीज़ है कि जब आपको सब कुछ करके दे रहे तो एज अ ड्राइवर इन ड्राइव के साथ उनको जुड़ना है और इन ड्राइव के थ्रू राइट्स लेने हैं. कुछ कुछ बॉन्डिंग होगा, एक साल दो कॉन्टेक्ट कुछ रहेगा, सब कुछ नहीं? बहुत सारे कैब्स कोलकाता में या बंगाल में चलते हैं, तो इन ड्राइव कोलकाता में कितना सेफ है फीमेल पैसेंजर्स के लिए, फीमेल जो रात को आना जाना करती है IT सेक्टर? इन ड्राइव का एज मैंने आपको बताया कि मैं पूरा कम्युनिकेशन लीड हूँ फॉर APAC रीजन. सो मैं ये सारे कोई भी अगर इश्यूज होते हैं वो मेरे पास आते हैं. तो अभी सच बोलूँ तो ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे साथ हुआ नहीं है. हमारी ऐप बिल्कुल सेफ है. इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो भी ड्राइवर्स हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं. पुलिस वेरीफाइड तो वो होते ही होते हैं, प्लस दूसरा हमारी ड्राइवर वेरिफिकेशन की टीम ही अलग है जो इंश्योर करती है कि उनका एक एक डॉक्यूमेंट एक एक चीज़ हो. और फिर भी आप देखो कि लाइफ में कभी ना कभी कुछ हो सकता है, राइट? तो अगर कभी ऐसा कुछ हो तो हम इंस्टेंटली उनको ब्लॉक कर देते हैं परमानेंटली, कि अगर वो कभी हमें पता चलगा कि इस ड्राइवर ने किसी भी पैसेंजर के साथ मिसबिहेव किया हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, तो हम ब्लॉक कर देते हैं.